नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीर और आप देख रहे हैं इंटरडेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप अपने आधार को किस प्रकार लॉक कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि आपको कोई भी आधार से बायोमेट्रिक के द्वारा आपसे आपके नंबर पर सिम नहीं उठा सकता। यानी अगर आपके घर कोई बुजुर्ग होता और अगर वो किसी दुकान पर जाते तो दुकान वाले करते हैं ये चालाकी, तो उनसे थंब लगवा के थंब इंप्रेशन के द्वारा उनके नंबर पे एक फर्जी सिम उठा देते हैं। और उससे होता ये है कि वो सिम को बेच देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। तो हमें एक ऐसा उपाय लाएं जिससे कि बायोमेट्रिक जो होगा वो लॉक आप चाहेंगे जब सिर्फ उतनी देर तक ही चलेगा। और इसका एक मैं और बहुत ही बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं और आपको बोला जाता है कि अगर इसका थंब इंप्रेशन लगा, तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि हाँ अभी देखिए ये एरर बता रहा है, तो क्यों बता रहे हैं ये मैं नहीं जानता, और आप उस मुसीबत से बच सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस। तो दोस्तों, ये है वो ऐप जिसका नाम है एम आधार, यानी मोबाइल आधार। ये सिर्फ एक ऑफिशियली ऐप जो है, मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ इसी से डाउनलोड करें, क्योंकि इसके जो और भी जो कॉपी वर्जन है वो बहुत सारे आ चुके हैं। तो मैं करता हूँ इस ऐप को ओपन और देखते हैं कि आखिर ये ऐप किस प्रकार वर्क करती है और आप किस प्रकार अपने आधार को लॉक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि क्या बता रहा है। इसके बाद में आपको देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। तो दोस्तों, उसको आपको करना है सिंपली बैक के बटन पर क्लिक, और इसके बाद में आपको ये बोलेगा कि पासवर्ड सेट करें। तो ये पासवर्ड आप सेट करें, और इससे होगा ये कि आप जब भी ये ऐप खोलेंगे तो आपको ये पासवर्ड लिखना होगा, और सिर्फ इसी मोबाइल पे जिसमें आप लॉगिन करेंगे इस पे ये पासवर्ड वर्क करेगा, ना कि दूसरे मोबाइलों में। तो मैं अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये मांग रहा है अब अपना आधार नंबर। आप आधार नंबर भी यहाँ दे सकते हैं या फिर स्कैन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ डालने वाला हूँ अपना जो है आधार कार्ड का नंबर, नेक्स्ट दबा दूंगा, इसे अलो दबा दूंगा, ये फिर वेटिंग का। अब यहाँ लिखा रहा है टू कंप्लीट द क्रिएट प्रोफाइल प्लीज़ वेट व्हाइल द एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीड द वेरिफिकेशन कोड। यानी आपको कुछ नहीं करना, इस मोबाइल में जो भी सिम है वो ऑटोमेटिक जो आपका जो कंफर्मेशन कोड है वो वेरीफाई कर लेगा, और आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जी, तो ये आ गया है मेरा आधार कार्ड। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं अपने जो पासवर्ड है वो मैं यह लिख देता हूँ। और आप सोच रहे हैं कि ये अपने पासवर्ड आईडी पे क्यों दिखा रहा है, तो मैं बता दूँ कि ये जो पासवर्ड है ये और कहीं नहीं चलेंगे, ये सिर्फ मेरे मोबाइल में चलेंगे, तो इससे कॉपी करने से भी कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए, ये मेरा आधार कार्ड है। अगर आपको अपने आधार का बैक साइड देखना तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आधार पर क्लिक करना है और ये जो है बैक साइड दिखा देगा। अब आपको अगर अपना आधार लॉक करना है तो आपको जाना है गो टू द बायोमेट्रिक सेटिंग, आपको जाना है बायोमेट्रिक सेटिंग। तो हम जाएंगे सब यहाँ तीन, ये जो आपको राइट टॉप कॉर्नर सीधे हाथ के सबसे ऊपर तीन बिंदु दिख रहे हैं, आपको इसे क्लिक करना है, और सबसे पहला ऑप्शन जो है बायोमेट्रिक सेटिंग्स, उसको आपको ओपन करना है। अब देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है सबसे पहला ओपन बायोमेट्रिक लॉक, इनेबल बायोमेट्रिक लॉक, यानी बायोमेट्रिक लॉक आप लगाना चाहते हैं। तो इससे होगा ये, आप जितनी देर इनेबल करेंगे उतनी देर ये वर्क करेगा। तो इसे अगर मैं कर देता हूँ राइट, और इसे कर देता हूँ ये, अब ये कुछ समय आपको वेट करना है ताकि आ जाए आपका ओटीपी। तो ओटीपी आने में सिर्फ 3, 2, 1, ये आ गया आपका ओटीपी। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। अब ये हो गया मेरा बायोमेट्रिक इनेबल। अब होगा ये कि मेरे जो बायोमेट्रिक है अभी वर्क नहीं करेंगे 24 घंटे तक, और होगा ये कि अगर मैं कहीं भी मेरे फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो वो वर्क नहीं करेंगे, वहाँ एरर दिखाएगा। अब जैसे ही मैं मेरे यहाँ से डबल से उसको डिसेबल करूँगा, फिर ही मेरे फिंगरप्रिंट जो है कहीं के भी बायोमेट्रिक डिवाइस लेना शुरू करेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।